हेलो भाई, स्वागत है आपका फिर से एक और न्यू व्लॉग में। तो अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं और अभी मैं हूँ छत पर, आप देख सकते हो। तो आज रात की सीन कुछ ऐसा हुआ कि रात की समथिंग 1 या 2 बजे से बारिश हुई काफ़ी तेज़, तो फिर लाइट चली गई मतलब 1 घंटे बारिश हुई, उसके बाद फिर लाइट कट गई, तो लाइट आई नहीं, अभी तक भी नहीं आई। और फिर हमको बारिश होना पड़ा, मैं यहीं पर सोया था छत पर, तो नीचे तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और अभी आप मौसम देख सकते हैं कुछ ऐसा है, ये बादल देखिए छाए हुए हैं, थोड़ी थोड़ी धूप निकल भी रही है। तो गाइस अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और हम अभी इस साइड आए मोटर चालू करने के लिए, तो पता नहीं है क्यों नहीं चल रही है और गर्मी हो रही है काफ़ी तेज़। गेट क्यों लगा रहा है? तो हम नहाने के लिए चला रहे थे मोटर, तो यहाँ पर पता नहीं लाइट नहीं आ रही इस साइड। अभी समय हो रहा है दोपहर का, 2 बज रहे हैं और अभी मैं जस्ट लंच कर रहा था, तो आज लंच में दही बड़े की सब्ज़ी और रोटी। तो अभी मैं फ़िलहाल लंच करता हूँ और कृष्णा पीछे पानी पी रहा है और गर्मी भाई काफ़ी तेज़ हो रही है और ऊपर से लाइट भी नहीं है। तो अभी हमारा कृष्णा उल्लू को जगा रहा है और उल्लू है अपनी फुल नींद में, वो भी कूलर के पीछे। मत जगा यार, सो जाने दे उल्लू ना। उल्लू आज हमारा उल्लू हमने नहवा दिया है तो अब साफ लग रहा है बिल्कुल, कल गंदा होके आ गया था ना उल्लू, तो इसको अभी प्यारी सी नींद आ रही है समथिंग, इसको 2 घंटे हो गए सोते सोते। और अभी बाहर मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, आप देख सकते हो बादल छाए हुए हैं और मौसम भाई काफ़ी मस्त है। तो आज हम अभी जा रहे हैं अपने फार्म पर, मैं, कृष्णा, सुरेंद्र और भी मतलब 1-2 लड़के हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगा वहाँ पर हम क्या करने के लिए जा रहे हैं ना कृष्णा। कहाँ पे जा रहे हैं अभी अपन? अपन चल रहे हैं हार में, खेत पे चल रहे हैं। चल ठीक है। तो गाइस अभी हम आए अपने फार्म पर, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ हम किस लिए आए हैं। हम आए हैं यहाँ पर भंडारा बनाने के लिए फुल देसी स्टाइल में। तो यहाँ पर ये लोग इस साइड बना रहे हैं, के लिए मेहनत की जा रही है यहाँ पर पूरी दम से। तो अभी इसको ये मांझ रहा है और इधर चल रही है भंडारे की तैयारी, और हमारा विनोद भैया बना रहा है दाल और लालू भैया हमारा चीर रहा है लहसुन। इधर सुरेंद्र, इधर कृष्णा। तो अभी हम आए हैं यहाँ पर भंडारा बनाने के लिए अपने फार्म पर, पानी बरस रहा और अभी हम भंडारे में बना रहे हैं दाल और चावल और टिक्कर नहीं बना रहे। हाँ, और टिक्कर ही बना रहे हैं, बाटी बाटी का नाम। तो गाइस हमें यहाँ पर आते हुए समथिंग 1 घंटा हो गया है और अभी देख सकते हो अभी सनसेट नहीं हुआ है, यहाँ पर बादल छाए हुए हैं, तो मौसम भी आज काफ़ी प्यारा हो रहा है। तो इसीलिए हमने सोचा कि आज खेत पर पिकनिक मनाते हैं, तो हमारी फुल देसी स्टाइल में आज पिकनिक मनाएंगे यहाँ पर, जिसे हम लोग बोलते हैं भंडारा। गाइस अभी शाम के 7:30 हो रहे हैं, तो अभी अंधेरा होने वाला है, आपको कैमरे में थोड़ा उजाला दिख रहा होगा, लेकिन हमारा भंडारा अभी तक नहीं बना है, तो शायद रात ही हो जाएगी यहीं पर। और इसमें क्या क्या है, प्याज टमाटर। तो गाइस यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हमको यहाँ पर रात हो चुकी है और अभी 8 बजने ही वाले हैं, देख सकते हैं बिल्कुल अंधेरा हो गया है। तो गाइस अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और अभी मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, तो शाम के जो हमारा भंडारा बन रहा था मतलब बन के सब लोगों ने खा लिया और हमको हो गया था वहाँ पर अंधेरा, रात के 9:30 बज गए थे, तो फिर मैंने शूट नहीं कर पाया, मतलब रात के कुछ नहीं दिख रहा था। फिर मैं घर पर आ गया तो घर पे ही मतलब लाइट नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा कि ब्लॉग को सुबह ही एंड करेंगे। तो हमारा जो भंडारा था वो फुल देसी स्टाइल में था जैसे कि आप लोगों ने देखा था, और अभी मैं इस साइड आया था थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए यहाँ पर। तो आई होप कि गाइस आपको आज का ये हमारा पार्टी वाला ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को क्लिक सब्सक्राइब। तो ऐसे ही ब्लॉग में जल्द ही मिलेंगे आपको, तो तब तक के लिए बाय।